नमस्कार, जीरो से जीनियस तक की इस स्पेशल एग्जाम पेपर नंबर 21 में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे बिल्कुल एग्जाम क्वेश्चन पेपर जैसा 13 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे, साथ में डिटेल्स भी दिए जाएंगे। ध्यान रहे, आपको इन 13 सवालों में कम से कम 6 सवालों का सही जवाब बताना अनिवार्य है, तो ध्यान से खेलिएगा। सवाल सभी अच्छे हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, रियो ओलंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 5 सेकंड का समय। ज्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो आंसर सोचने के लिए समय शुरू होते हैं अब। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, साक्षी मलिक। क्वेश्चन हार्ट जो आपको सवाल के बारे में बताएंगे, यदि आपको लगे कि क्वेश्चन हार्ट हमें देखना चाहिए तो आप वीडियो को वहीं रोक सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर बाद में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? सवाल एक बार फिर से, सवाल अच्छे हैं। स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, जिसके केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? SO2। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाना। क्वेश्चन हार्ट आपको देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर, भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, SHFJ मानेकशॉ। आपके मन में चल रहा होगा KM करियप्पा, तो इस रैंक के वे अधिकारी नंबर टू थे, दूसरा अधिकारी थे, आप देख सकते हो क्वेश्चन हार्ट में। क्वेश्चन नंबर फाइव, धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह कथन किसने कहा था? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, गहरे समुद्र के गोताखोरों की ऑक्सीजन आपूर्ति में हीलियम मिलाई जाती है क्योंकि? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। विशेष जानकारी के लिए क्वेश्चन हार्ट को जरूर एक बार रीड कर लीजिए। क्या आंसर होगा? यह उच्च दाब पर नाइट्रोजन की अपेक्षा खून में कम घुलनशील होती है। क्वेश्चन नंबर सात, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फ़ोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।
क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे और करता है। और आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करे हैं तो लाइक बटन पे क्लिक करके प्लीज लाइक भी कर दीजिए। आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय महासागर में सबसे छोटा द्वीप देश कौन सा है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मालदीव। ये एशिया का सबसे छोटा देश है मालदीव। क्वेश्चन नंबर 8, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अभी कौन है? ओम बिरला। क्वेश्चन हार्ट आपको जरूर देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड मेयो। क्यों हुआ था इसके लिए क्वेश्चन हार्ट को देखिए, कौन कर रहा था क्वेश्चन हार्ट को देखिए, कब किया था क्वेश्चन हार्ट को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, मौद्रिक नीति का यही उद्देश्य होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दमनदीव तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के बाद भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं? VBI सवाल। सवाल क्या है कि वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो सही आंसर होगा न 7 न 9, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन हट को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, किस भारतीय तीरंदाजी ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत रिकॉर्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया? 21वीं, ये इंपॉर्टेंट है, एशियाई चैंपियनशिप की महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दीपिका कुमारी। तीरंदाजी ने 21वीं एशियाई चैंपियनशिप की किस महिला ने स्वर्ण पदक जीती है? तो राइट आंसर होगा दीपिका कुमारी। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किसने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उद्धव ठाकरे। देख लो, पॉलिटिक्स है। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए एक सवाल है, विश्व एड्स दिवस 1988
के बाद से हर साल कब मनाया जाता है? यदि आप राइट आंसर बता सकते हैं तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। वीडियो के सभी सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट थे, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। और आपने अभी तक इसके पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ इस बटन पे क्लिक करके जरूर देखिए और आप हमारे साथ रेगुलर रहिए, कोई भी वीडियो मिस नहीं करिए। आप कोचिंग, स्कूल, ट्यूशन, सेल्फ स्टडी जो करते हैं करिए, साथ में हमारे साथ जरूर रहिए। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।